₹20 महीने के हिसाब से 8,500 वसूल हो जाएंगे तो हम आपको ये मकान आपके नाम कर दिए जाएंगे। लोग वोट नहीं देंगे ना, वोट की चीज बात करिए हर रोज किसी न किसी पार्टी की तरफ से गरीबों को घर देने की बात की जाती है। सुनकर ऐसा लगता है मानो आने वाले समय में सबके पास अपना घर होगा, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास घर तो है लेकिन अपना है या किसी और का इसका कोई सबूत नहीं। सालों से यहाँ रह तो रहे हैं लेकिन मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला है। इन बुजुर्गों को देखिए, अगर सही समय पर रिटायर हुए होते तो एक बार नहीं दो दो बार रिटायरमेंट मिल गई होती, लेकिन इस उम्र में भी बेचारे दफ्तरों की खाक छान रहे हैं। वो इतने परेशान है, वो चक्कर लगा लगा के थक गए हैं पर बोलो सुनते ही नहीं है। अब जाके मेरे फादर की हालत देखो ना, आप दंग रह जाओगे। लेकिन सरकारी महकमों में काम करने वाले बाबुओं के चू तक नहीं रेंगती। आगरा के मालवी कुंज कॉलोनी में 40 साल से मकानों के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे 120 परिवारों का आखिर सब्र का बांध टूट ही गया। रसूखदारों के सामने भले ही इनकी एक न चलती लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने आखिर फैसला कर लिया, अगर घर अपना नहीं तो हमारा वोट किसी को नहीं, यानी मतदान बहिष्कार का ऐलान। लोग वोट नहीं देंगे ना, वोट की चीज बात करिए, हमें परेशानी किसी बात की है। क्यों देंगे? परेशानी हमारी सुनता ही कोई नहीं, ज्यादा कोई किसी पार्टी नहीं सुनी है। तो आप नेताओं से नाराज हैं? हाँ, बेलिमिट नाराज है, नाराज नहीं बेलिमिट, और खास करके अभी बीजेपी से, क्योंकि अब ये 4 साल से लिमिट से ज्यादा परेशानी आई। सालों से मालिकाना हक के लिए चक्कर काट रहे बुजुर्गों को देखकर आपको कुछ याद आए ना आए, लेकिन एक बेबस भारतीय जरूर नजर आएगा जिसने ताउम्र इस देश को अपना माना, लोकतंत्र के तहत अपना मतदान किया, लेकिन जब वक्त आया तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। सरकारें आई सरकारें गईं लेकिन इनके दर्द की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। पहुंचेगी भी कैसे, ये महज 120 परिवार हैं और सत्ता के नशे में चूर नेताओं के सामने महज एक कीड़े मकोड़ों की तरह जीने वाले इंसान जो ना तो उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही उनके पास कोई और चारा है। आगरा नगर निगम के चक्कर काटते काटते चप्पल तो छोड़िए, अब आत्मा तक खिस गई। पहले समझते थे उम्मीद पर दुनिया कायम है, अब इनकी उम्मीदों ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन आगरा नगर निगम के अधिकारी अभी तक ताजमहल की तरह अड़े हैं। आखिर परेशान हो चुके 120 परिवारों ने अपने घर के बाहर चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लगा दिए और ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव में वो मतदान नहीं करेंगे। खैर, इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों की कहानी आज की नहीं है। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के मुताबिक सन 1949 में शरणार्थी अधिनियम के तहत उन्हें यहाँ जगह दी गई थी, लेकिन 1949 से लेकर 2019 हो गया लेकिन इन घरों का मालिकाना हक उन्हें अब तक नहीं मिला है। यहाँ रहने वाले लोग पिछले 70 सालों से इसी दहशत में जी रहे हैं कि आखिर कब कोई आकर उन्हें बेघर कर दे। शुरू में उन्हें हिदायत दी गई थी कि हर महीने किराए के रूप में उन्हें 18,000 रुपए देने होंगे और जिस दिन ये रकम 8,000 हो जाएगी उस दिन उन्हें मकानों का मालिकाना हक दे दिया जाएगा, लेकिन आरोप है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। समस्या तो यही है कि आज हम लोग बहुत टाइम से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये मकानों का जो मालिकाना हक है वो हमें दे दिया जाए। सन 47 से हमारे जो फादर ग्रैंडफादर सब लोग यहाँ पर रहे और 8,500 में उन्होंने हमें कहा था कि ये मकान आपको दे दिए जाएंगे। 20 रुपया महीना के हिसाब से हमको किराया भरना था और उन्होंने कहा था कि जिस समय ये किराया आपका 20 रुपये महीने के हिसाब से 8,500 वसूल हो जाएंगे तो हम आपको ये मकान आपके नाम कर दिए जाएंगे। लेकिन वो चीज़ तो कब की हो गई, उसका अदायगी तो कब की हो चुकी, लेकिन हर बार हमें ये कह के डाला जाता है। नगर निगम के पास जब हम जाते हैं और ये कहते हैं कि इसका हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा तो वो ये कहते हैं कि अभी सरकार ने हमें ये ज़मीन नहीं दी है, जिसके लिए हम बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए हम ये विरोध कर रहे हैं। पैसे भी जमा कर दिए गए, बाबू साहब भी कह गए, नेताओं की जी हजूरी भी की गई, वोट भी दिया गया, लेकिन मिला तो बस आश्वासन। लेकिन इस देश की खूबसूरती तो देखिए, इतना कुछ झेलने के बाद भी यहाँ के लोग हिंसा नहीं अहिंसा से अपना हक मांग रहे हैं और फैसला कर लिया है कि जो मतदान लोकतंत्र की खूबसूरती है वे उसका ही बहिष्कार करेंगे ताकि तमाम लोकतंत्र के ठेकेदारों के कानों तक आवाज पहुंचाई जा सके। तो सबूत
बैठे नगर निगम में, कहने इनको कहने रिफ्यूजी नहीं हो, सबूत हो, क्या सबूत देंगे हम भारत के नगर निगम को? तो इस संबंध में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है, न किसी प्रकार की कोई उनके द्वारा मतदान बहिष्कार की सूचना हमको दी गई है, न उनकी शिकायत के संबंध में कोई बात मेरे संज्ञान में आई है। शरणार्थी सर कॉलोनी है, संज्ञान में है सर इस बात की जानकारी से? नहीं, कॉलोनी तो है, शरणार्थी कॉलोनी है, लेकिन जो समस्या आप अभी बता रहे हैं ऐसी कोई समस्या हमारे पास नहीं आई है कि मतदान बहिष्कार करेंगे। मीडिया को बयान भी दिया और पोस्टर घरों पे चस्पा दो, जाएंगे सर देखेंगे वहाँ मौके पे आप? अब आपने संज्ञान में लाया है तो मैं अभी जो है अपने स्टाफ को भेज रहा हूँ, तो जाकर के जो भी होगी जांच उसकी, मतलब उनकी बात, हाँ उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा।